इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में पहुंचकर कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री इस वक्त देवरिया में हैं और कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा ले रहे हैं। यूपी में कोरोना कितना कंट्रोल है, यूपी के शहर शहर गांव गांव से योगी को क्या रिपोर्ट मिली है, इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव बात की है। देखिए, दूसरी लहर पर यूपी के सीएम का ये पहला इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या हालात हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार किस तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए, नोएडा गाजियाबाद गए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना की क्या हालात है, सरकार क्या कर रही है? कोरोना उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रित है। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र ट्रिपल टीका देश को दिया था, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का शुरुआत करते समय टेस्ट एंड ट्रीट, हमने इसको अक्सर सब लागू किया है। उसका परिणाम रहा, फर्स्ट वेव को भी हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित किया और सेकंड वेव को भी हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रण करने में, और उन सभी विशेषज्ञों की द्वारा जो एक आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी यूपी के बारे में, यहाँ की बृहत आबादी को ध्यान में रख करके जो बातें की जा रही थी उसको भी निर्मूल साबित किया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से जो मौत के आंकड़े हैं उसको छुपाया जा रहा है। देखिए, सरकार किसी आंकड़े को छुपाती नहीं है। जो चीज़ भी पोर्टल पर है, ऑनलाइन पोर्टल है, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति एडमिट हो रहा है उसे प्रतिदिन अपलोड करने और उनके सभी दस्तावेजों की नियमित जांच भी होती है। सरकार ने, चाहे वह जांच का हो, यूपी के बारे में लोग कहते थे कि यूपी में जांच नहीं हो रहे हैं, यूपी तो देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है, लगभग 4.5 करोड़ टेस्ट यूपी ने अब तक किए हैं और तब भी कहते थे कि यूपी में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। 3.5 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन कर रहे हैं, तब भी हमसे कहा जाता है कि टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी कुछ नहीं किया है। यूपी के लोगों के सामने पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने तो पिछले 6-7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वह एम्स के निर्माण का हो, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला का हो, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हर जनपद को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर गांव-गांव में और सबसे छोटी इकाइयों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का हो। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसके बल पर ही हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कल एक वीडियो ट्वीट किया गया, प्रयागराज का बताया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग चुनरी को उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सरकार ने लोगों का इलाज नहीं कराया और मरने के बाद भी उनको वो हक नहीं मिल रहा जिसको उनको मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय परंपरा, संस्कृति और संस्कारों की जब जानकारी हो तो व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्यों से परहेज भी करे। मुझे लगता है कि जो लोग उस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी, और जिनका अंतिम संस्कार वहाँ पर उनके परिजनों ने किया, उनका भी अपमान करने वाले वक्तव्य हैं ये। मुझे लगता है कि ये चीज़ दिखाती है कि व्यक्ति को वास्तविक हकीकत की जानकारी नहीं है। इटावा सर, आप जब गए तो वहाँ पर निकलने के बाद आपके हेलीपैड को गंगा जल डाला गया, ये किस तरीका का कृत्य है आखिर? एक अच्छी बात है भाई, कम से कम माँ गंगा के प्रति इसी बहाने उन्होंने स्वीकार किया ना, गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है। भाजपा के बहाने या मेरे बहाने ही सही, इन सबको भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के बारे में कुछ एहसास हो जाता है। मेरा जो काम था वो मैंने किया, जो उनका जो काम था वो लोग अपना काम कर रहे हैं। थर्ड वेव को लेकर के साहब लगातार दौरा कर रहे हैं, गोरखपुर में कल हम आपके साथ मौजूद थे, यहाँ पर वार्ड बनाए गए हैं पीको वार्ड, ताकि बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। थर्ड वेव को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी चल रही है, हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का हम लोग पीडियाट्रिक ICU बना रहे हैं, बहुत जगह काम प्रारंभ हो चुके हैं,
हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बना रहे हैं। कुछ सीएससीज में भी हम इसका निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्ट्रेंथनिंग की जा रही है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को भी स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ बना करके, अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके उनके वैक्सीन से उन्हें सुरक्षा कवच देने की तैयारी चल रही है। 1 जून से कार्यक्रम हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं। सरकार हर प्रकार से तैयार है और स्वच्छता सैनिटाइजेशन की व्यापक कार्रवाई हर गांव, हर कस्बे में चल रही है। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की ही तर्ज पर हम लोग थर्ड वेव को भी, जो आसन्न वेव की बात की जा रही है, आशंकाएं हैं, उसको भी यूपी निर्मूल साबित करेगा। आखिरी सवाल, ये निजी सवाल है सर, चूंकि आप भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ये माना जाता है कि आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा तरीके से टूट जाता है, लेकिन आप लगातार काम करते रहे, वर्चुअल मीटिंग करते रहे और निगेटिव होते ही उत्तर प्रदेश के लिए वाकई में आप ग्राउंड जीरो पर निकल पड़े हैं। सर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे अगर कोरोना होता है तो उसका खिलाफ लड़ाई लड़नी है? देखिए, बीमारी और शत्रु से डरना नहीं, लड़ना है, सावधानी और सतर्कता के साथ में। और ये सावधानी सतर्कता के साथ अगर हम लोग उसकी चुनौती को स्वीकार करके उससे लड़ेंगे तो शत्रु अवश्य प्राप्त होगा। कोरोना देश का शत्रु है, मानवता का शत्रु है। सतर्कता और सावधानी के साथ हम इसको फेस करें, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। जिन्होंने ट्विटर पे, फेसबुक पे उल्टी सीधी पोस्ट की, जिन्होंने पहले की फोटो उठा करके मौजूदा हालात को बता दिया, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी? एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की स्थिति है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तब विपक्षी दल गैर जिम्मेदाराना बयान, हरकत और ट्वीट करके देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। ये अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ये देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की शरारतपूर्ण चेष्टा भी। और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव को लेकर के निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में वो सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, जिसके लिए वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विपक्ष पर जमकर हमला बोला, इंडिया टीवी से बेबाकी से बातचीत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि इस लड़ाई में सबको साथ देने की जरूरत है, बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कतई जरूरत नहीं है। क्या नाम है, मनोज के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी गोरखपुर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।